हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के हाफेली एग्जाम में पहला क्वेश्चन मेरा है, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर रूट 27 वन अपॉन रूट थ्री। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि थ्री जो है स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर थ्री है, ये पहले से प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टराइज नहीं होंगे, इनको हम एज इट इज रखेंगे। 27 जो है स्क्वायर रूट 27, बट 27 को हम फैक्टराइज रहेगा, आउटसाइड जो 3 था वो भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ 27 को ब्रेक डाउन किया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 27 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और है जो समझने वाली है, जो रूट थ्री है यहाँ पर वो डिनोमिनेटर में है, और रूट थ्री क्या है, स्क्वायर रूट थ्री इरेशनल पार्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इसको जो भी इरेशनल पार्ट, यदि डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट आ जाता है तो उसी नंबर से पूरे होल नंबर को एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार हम डिवाइड करते हैं, सो दैट वी कैन रिमूव इरेशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, ये नंबर तो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है टू स्क्वायर रूट थ्री, बट इस स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई प्राइम फैक्टर पेयर में आता है, मींस कि दो बार आता है, तो स्क्वायर रूट से जब वो बाहर निकलेगा तो वो एक बार हो जाएगा, तो इस पेयर को हम आउटसाइड द बिना इस स्क्वायर रूट के लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, और इस स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर सिर्फ 3 रह गया यहाँ पर। देन 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3, बट से मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से 3 ले लेंगे। या फिर हम इसको एक और तरीका भी है, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जब भी स्क्वायर रूट का हमें पता, स्क्वायर रूट मीन्स उस नंबर की पावर 1/2, तो इसको हम इससे कैंसिल करके यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अकेला 3 बच जाता है। तो स्टेप नंबर ये हमारा 1 था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया। अब देखते हैं टर्म नंबर 1 और ये सेकंड नंबर, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, जैसे टर्म 1 2 3, इन तीनों में ही स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो मैंने 3 स्क्वायर रूट 3 को यहां से कॉमन उठा लिया, रूट स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया, यहाँ 2 रह गया, 3 3 9 और यहाँ पर 1/3। तो अब 2 और 9 11, 1/3 एज इट इज रहेगा, और इस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 34/3, मीन्स 11 प्लस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 34/3 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो भी हमारा चैप्टर नंबर 1 से है, नंबर सिस्टम से, इस क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह का जब आपको क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वो राइट हैंड साइड की तरह इसी फॉर्म में आ जाए, उसके बाद हम उसको कंपेयर करके वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, रैशनल और इरेशनल पार्ट की वैल्यू को कंपेयर करने के बाद हम ए की वैल्यू को ढूंढेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 प्लस 2 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3। अब हम डिनोमिनेटर को, दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 को का हम रैशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 प्लस 4 रूट 3 है तो ये 7 माइनस 4 रूट 3, ऐसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस कि आपको 4 रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो लिखना है वो 7 माइनस 4 रूट 3, मींस कि इस नंबर से इसका हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखा, और इसी नंबर से एक बार पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार हमने पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर के दोनों ही पार्ट है
इसमें ये a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स कि a यहाँ 7 है और b हमारे पास ये वाला नंबर है 4√3। तो डिनोमिनेटर तो हमारा बहुत ही आसान से सेल्फ सॉल्व हो गया, 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इस 5 ने 7 से भी मल्टीप्लाई होना है और 4√3 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको लिखेंगे 5 (7)√3। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी नंबर ब्रैकेट के आउटसाइड होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब से मल्टीप्लाई होता है। सेम वे हमारा 2√3 भी इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, 7 (4√3) से मल्टीप्लाई होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 5 को हमने अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है (-20√3). अब 2√3 को यदि 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखो कितना होगा, सिर्फ ये वाला 7, इस 2 ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है ये भी प्लस है तो 14√3। फिर इसी नंबर को हमने 4√3 से, मतलब 2 हमारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, √3 को (√3) से मल्टीप्लाई किया तो (√9) हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक होती है मोस्ट ऑफ द केसेस कि जब आप 4√3 को पूरे को का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर अलग से बनेगा और (√3) का स्क्वायर हम अलग से लेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और (√) का स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आ गया 49 - 48। डिनोमिनेटर में 49 - 48 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके, यहाँ तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व करके हमारे 1 के इक्वल हो जाता है, सिर्फ हमारे पास बचा है सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर। तो मैं इसको तो रब कर देती हूँ यहाँ से। अब 35, अब हमारे पास क्या था, ये माइनस का 20√3, 14√3। अब इन दोनों में जो ये इरेशनल पार्ट है इसको कॉमन कर लेंगे, -20 और +14 - 6 हो जाएगा (6√3), और यहाँ पर -8 है, 9 का (√3) हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास सिर्फ यहाँ सॉल्व करके 1 बचा था। तो अब हमारे पास ये 35 हो गया, 8 - 24, इसको एक साथ लिख दिया क्योंकि ये भी रेशनल है ये भी रेशनल, तो इनको हम ऐड कर देंगे। जो इरेशनल पार्ट था उसको (6√3) हमने साइड पे लिख दिया, डिनोमिनेटर तो 1 था। 35 में से यदि हम 24 को माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आता है 11√3। इसे हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या था कि इसको किसके बराबर करना था, (a - 6√3). यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करते तो 11 हमारा रेशनल नंबर है, इधर हमारा ये रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, मींस कि ये दोनों तो कट जाएंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 11 बच जाएगी, पॉलीनोमियल। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, ये एक आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी को सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी देन ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, यहाँ क्वेश्चन में 5 हमने यहाँ पुट कर दिया, हम क्या देखते हैं ये वाली वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस रख दिया, तो अंदर जो भी टर्म हम ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे उन सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म माइनस में थी, तो ब्रैकेट के इनसाइड जब जाएंगी तो ये सारी प्लस में हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें
यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ 10 दी है, 10 दिया है, देखो यहाँ 5 है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और यहाँ हमें 10 दिया है। हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ ये, और ये वैल्यू हमें हमारे पूर्णा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से ये वैल्यू लेंगे ए प्लस, इसको नंबर वन मार्क कर देंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करा और यहाँ 5 का स्क्वायर किया। तो यहाँ से फिर हमने एक आइडेंटिटी को अप्लाई किया। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपको ऑल आइडेंटिटी लर्न नहीं हो जाती बाय हार्ट, देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2ab 2bc 2cac है, तो यहाँ से अगर हम सब में से 2 कॉमन ले लें तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ab प्लस bc प्लस cac की वैल्यू हमें 10 दी है, यहाँ पर लगाएंगे हम इसमें ये वैल्यू 10, और यहाँ पर 25 था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये हमारा 20 है, 20 बना। जब इस 20 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर 5 किसका आएगा, इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब इस 5 वैल्यू को हम कहाँ लगा देंगे प्यारे बच्चों, अब हम इस 5 वैल्यू को लगाएंगे यहाँ पर, ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ 5 ये वाला एज इट इज, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आई हमारी 5, और यहाँ माइनस 10 है, 5 माइनस 5 और माइनस 25। इट मीन्स कि ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास माइनस 25 आ गया। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 एज वेल एज थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, कि किस तरह से हमें कुछ वैल्यूज दी हैं और इस वैल्यू का हमें किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करना। तो यहाँ पर भी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी आइडेंटिटी को यूज करके हमें इस समस्या का समाधान निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फिर से मैं यूज करूंगी, यूजिंग ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज माइनस 3 ए बी सी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आती है, तो सबसे पहले मैं इस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करके लिखूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इस आइडेंटिटी को लिखूंगी इस तरह से, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये इस तरह से ही लिखी जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कह रहे बच्चों यहाँ पर भी देखो बहुत सारी हमें ढूंढना क्या है, सिर्फ इतना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू को हम यहाँ पर, हमें देखो ए बी सी की वैल्यू दी है, तो 3 हमारा ये ए बी सी की वैल्यू माइनस 2 पुट अप कर दी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 2 दिया है, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से सबसे माइनस कॉमन लेकर इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ माइनस प्लस 6 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी माइनस 2 दी है, तो मैं इसको हटाने के बाद यहाँ माइनस 2 लिख दूं और यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास इतनी सी वैल्यू बची है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर किया, राइट में भी स्क्वायर किया, और इस आइडेंटिटी को फिर से हमने एक्सपेंड किया, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी 2 बी सी प्लस 2 सी ए 2 टू जा 4, और यहाँ से 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए से सब में से 2 को इस तरह से कॉमन आउट कर लिया, देन इसकी वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर, फिर से यहाँ पर जो हमें वैल्यू माइनस 2 दी है प्यारे बच्चों, यहाँ सब कुछ दिया है, माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, माइनस 4, और राइट साइड से फिर हमारे पास यहाँ पर 4 था, तो ये
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, यहां 8 हो गई इसकी वैल्यू। माइनस 4 लेफ्ट में था, राइट में जाकर माइनस 4 प्लस 4 में चला गया, जिस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आने के बाद अब हमने इस वैल्यू को उठाकर डायरेक्ट कहां पुटअप कर देना है, यहां पुटअप कर देना है प्यारे बच्चों। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को हटाकर इस स्टेप को यहां लिखूंगी। अब मैं यहां से लिखा इसको लिखो, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और यहां पर कितना आ गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6, यहां पर 2 है, और इतनी वैल्यू हमारे पास ये कितनी आई है 8, और यहां पर दिस वन, और सिंप्लीफाई करने के बाद 12, और ये 24 हो गया, और ये 6 इधर आ जाने के बाद हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 18 होगी।